हाय। आज दिन भर कहीं नहीं गए यार। बारिश के कारण जहाँ जाना था जा नहीं पाए। कहीं गए नहीं तो बाहर भी निकले नहीं यार। एक बार निकले थे खाना खाने के लिए। ये कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा आज का। कोई बात नहीं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है दिन का। एक्चुअली मैं छोटे मोटे होटल पे जाते हैं, बहुत बड़ा होटल पे जाते नहीं है खाना खाने के लिए। तो आज जिस होटल पे खाना खाने गए थे, चावल तो इस टाइम नहीं मिलते है। सुबेरे वही दो पराठा ले लिया था और साथ में एक लड्डू ले लिया था। खाने के बाद मुझे लगा कितना थोड़ा बड़ा पराठा है तो शायद थोड़ा ज़्यादा, मतलब 15 रुपया पीस या 20 रुपया, क्योंकि यहाँ पे एक पीस रोटी लो या पराठा लो 10 रुपया लगता है। तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा देखे तो मुझे लगा चलो भाई ले लेगा 15 रुपया या 20 रुपया के आसपास पीस। लेकिन जब मैं पेमेंट करने के टाइम जब जाके बोले भैया कितना हुआ, तो बोल रहा है 75 रुपया। माँ कसम, अगर मुझे पहले पता होता ना जो ये पराठा, एक एक इस पराठा का दाम 30 रुपया है, तो मैं इसका वीडियो ज़रूर बना लेते। अभी खाना खाने जा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले भी बारिश हुआ था, तो थोड़ी देर पहले बहुत टाइम से बारिश हो रहा था इसलिए बाहर नहीं निकल पाए थे। अब बारिश ख़त्म हो चुका है तो मैं बाहर निकले हैं। मैं आज निकल जाते सिलीगुड़ी के तरफ, जलपाईगुड़ी होके जाना पड़ेगा जो भी, तो उसके तरफ निकल जाते। जाने में दो तीन चार दिन तो लग ही जाएगा। तो जिस भैया के घर पे रह रहा हूँ वो कहा भाई तुम्हें कुछ पैसा दे रहे हैं वो भी अच्छा, लेकिन तुम एक काम करो, यहाँ पे नज़दीक एक जगह का नाम बताया जो वहाँ पे घूम के आओ, क्योंकि कब आओगे इसकी गारंटी नहीं है। इतना दूर से तकलीफ सह के आ रहे हो, इतना झेल के आ रहे हो, तो कम से कम घूम के उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ। इसलिए रुक गए थे, नहीं तो आज मतलब उस तरफ निकल जाते। तो लास्ट में ऐसा हुआ कहीं भी नहीं जा पाए, इनके घर पे ही रह गए। असमिस पढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, पूरा नहीं मतलब क्लियर कर पाता हूँ, क्योंकि हमारा जैसा ही वर्ड है लेकिन फिर भी कुछ तो अलग है, जो अलग है वो मुझे समझ में नहीं आता है। जा रहा हूँ खाना खाने। नाम तो यहाँ पे बताया गया है लक्ष्मी केविन, केविन तो लक्ष्मी केविन में जा रहा हूँ, देखते हैं। एक्चुअली लक्ष्मी केविन नहीं है, लक्ष्मी भोजनालय, लक्ष्मी। यहाँ पे थोड़ा सस्ता है यार, 60 रुपया थाली है, बहुत सस्ते में मिल गया है। होटल भी बढ़िया है, लेकिन मैं पूछे थे रोटी होगा तो बोले रोटी नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, रिसेप्शन है, अब बैठ जाऊँगा कहीं खाने के लिए। यहीं पे बैठ जाता हूँ यार। खाना तो ऑर्डर कर लिया है, वेज थाली का आ जाएगा अभी, कब तक आते हैं देखते हैं। खाना आ चुका है, खराब नहीं दिया यार 60 रुपये में। चावल थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन ठीक है भाई, इतना दिन तो 120-150 रुपया दे के भी खाना अच्छा नहीं मिला था, उसी हफ्ते से खाना ठीक है। एक दाल लाना भूल गया, लेके आ रहा है, एक दाल है, सब्जी, अचार, नींबू, कोई भाजी है, क्या क्या है मुझे पता नहीं।
अबे यार क्या है ये। अच्छा हम लोग तो मोचा बोलते, केला का फूल का वो मछली का है साइड में कर दो। मैं असल में मछली वछली नहीं खाते ज़्यादा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये मछली का ये दे दिया क्या पता नहीं, तो मछली को हटाना पड़ेगा साइड से। पापड़ गिर गया है, क्या किया जाए, खाना तो ख़राब नहीं कर सकते। पिज्जा ज़रूर चाहिए। एक्चुअली खाना तो अच्छा ही है, दाल अच्छा लगा, केला का जो फूल का सब्जी बनाया है वो भी बढ़िया है, और सबसे बड़ा बात ये है ना, सब लोग अलग अलग खाने का वीडियो बनाते हैं, मैं चावल दाल सब्जी का वीडियो ही बनाते रहते हैं। हाँ लेकिन एक चीज़ इंक्लूड हुआ है यहाँ पे, मछली तो ज़्यादातर मैं लेते ही नहीं हूँ, ज़्यादा के लेता ही नहीं, लेकिन एक सब्जी दिया है शायद कद्दू है और कुछ है इसमें, उसके बीच में मछली का वो सिर जो होता है वो डाल दिया है, इसलिए हमारा बंगाली का परंपरा है मतलब दाल या उसमें सब्जी में डाल देते हैं सब, लेकिन मैं बाहर खाते ही नहीं हूँ। डाल दिया मैं अभी तक खाया नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करूँगा, खाना थोड़ा घर जैसा लग रहा है। टेस्ट अच्छा है, चावल दाल खाते खाते थके नहीं, खाते खाते थक गए। होटल के बाहर पान का गुमटी लगा है, यहाँ पे लोग आते हैं मतलब सिर्फ अगर पान और सुपारी लेना हो तो या तो पान और सुपारी अपने हाथ से लेते हैं, दादा के पास से ही लेते हैं सब लोग। अच्छा पान बनाना हो तो दादा खुद बना के देते हैं, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा है यार, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा सुपारी ले लिया यार, अब मुझे भी खाना है थोड़ा सा, देखते हैं खा के, यहाँ का ट्रेडिशन लग रहा है मुझे, तो एक बार देख लेते हैं। सुपारी खा लिया दादा के पास से, अब जा रहे हैं थोड़ा हटा चल गए।